प्रबल जनमत के आगे उत्तर प्रदेश सरकार को, वन विभाग को अपनी नीतियों की समीक्षा करनी पड़ी। आज से 5 दशक पहले अलकनंदा की उपत्यका में, बिल्कुल अंतर्वर्ती क्षेत्र में, जब पेड़ काटे जाने लगे तो सामान्य गांव के लोगों ने, जिनमें महिलाएं और युवा अधिक थे, सीधे और सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेड़ क्यों नहीं कटने चाहिए। और पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम पेड़ों पर चिपक जाएंगे, तुम्हारी कुल्हाड़ी पर ताकत है तो पहले हमारी पीठ को काटो। तो इस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल सुदृढ़ता से कहा। और जब ये शब्द कहा कि हम पेड़ों पर अंगूठा मार देंगे, गढ़वाली में अंगूठा माने पेड़ों पर चिपक जाना, तो जैसे आजकल कहीं कोई आंदोलन होता है तो लोग इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, व्याकरण से बहुत अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ लेते हैं कि जिससे शब्द का, अच्छे शब्द का प्रभाव लोगों पर पड़े। पर वहाँ लोगों को ये फुर्सत नहीं थी, ना वो जानते थे, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं। उन्होंने अपने ढंग से कहा कि हम पेड़ों पर उंगाटा मार देंगे, पेड़ों पर चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार से जो चिपकों से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने जमीन के आदमी की बात की, उनकी समस्याओं को उनके समझ के मुताबिक रखा, तो इससे आंदोलन का विस्तार हुआ। और आगे चल करके न केवल पेड़ बचाने का, बल्कि जो नंगे वृक्षविहीन इलाके थे वहाँ पर पेड़ लगाने का भी उपक्रम आगे रखा, जो आज तक भी चल रहा है उसके अलग। तो आज इसकी और भी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया के और हमारे देश के अधिकांश भाग पर्यावरणीय बिगाड़ से संतरस्त हैं, और हिमालयी क्षेत्र तो बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ का, अभी बरसात आने वाली है, तो हिमालय के, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो, या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश का, तो हर बार पता चल जाता है कि कहाँ कितने लोग मारे गए लैंडस्लाइड इत्यादि के कारण। तो ये घटनाएँ होने वाली, तो आज आवश्यकता है इस प्रकार के कार्यक्रम का और विस्तार करने की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे हिमालय में जो ये गड़बड़ी हो रही है, तो एक और हमारी आबादी का विस्तार हो रहा है, और दूसरी और उससे भी अधिक तेज़ी के साथ जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ह्रास हो रहा है, उससे पानी के परंपरागत स्रोत सूख रहे हैं, हिमालय में जो हिमनद हैं वो पीछे जा रहे हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और भूक्षरण, भूस्खलन, भूमि कटाव, नदियों द्वारा धारा परिवर्तन की घटनाएं नियमित हो रही हैं, और हर वर्ष आप सुनते होंगे कि बाढ़ की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उससे लाखों लोगों की तबाही हो रही है, और उसके साथ साथ जो हमारी विकास योजनाएं हैं उन पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और एक तरफ से देखें तो हमारी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक, उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, प्रश्न चिन्ह लगने लग गया है। हिमालय को, वैसे हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने हिमालय को संस्कृति और मनीषा के केंद्र में रखा है, और आदिकाल से ही जो हिमालय है उसके साथ हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध रहे। गीता में जैसे कृष्ण ने एक जगह कहा, 10वें अध्याय में कहा है 25वें श्लोक में कि स्थावराणाम हिमालय, माने स्थिर वस्तुओं, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ, माने जब गीता लिखी गई होगी या जब गीता और कृष्ण और अर्जुन का संवाद होगा तो उस समय भी हिमालय का इतना दबदबा उन पर था। दूसरी और उसके बाद जो अभी कुछ सदियों पहले महाकवि कालिदास ने, तब तो हेलीकॉप्टर थे नहीं, हवाई जहाज भी नहीं थे, उन्होंने कहाँ से हिमालय का, हिमालय को पृथ्वी का मेरुदंड कहा था। अस्तुत्तरश्याम दिस देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा पूर्वा परातोय निधि विघाज, माने दुनिया का ये मेरुदंड है, और ये हमारे तापमान इत्यादि, आजकल के जो कृषि विज्ञानी हैं वो कह रहे हैं तापमान को भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन आजकल हिमालय के बारे में जो अधिकांश हम सुनते हैं
कि ये जो है सैलानियों का स्वर्ग है और जो साहस दिखाने वाले लोग हैं उनका जोखिम का खेल खेलने के लिए प्रेरणा स्रोत है, कवियों का कल्पना स्रोत है और जो आप विज्ञानी हैं विज्ञानियों का ये शोध क्षेत्र है और इससे आगे हम जाते हैं तो धार्मिक आस्थावानों के लिए हिमालय स्वर्ग और न जाने क्या क्या है। लेकिन जो हमारे मौसम विज्ञानी हैं भूविज्ञानी हैं वो कहते हैं कि भाई हिमालय तो युवा पहाड़ है आज भी ऊपर उठ रहा है और वो अपनी स्थिरता को ढूंढ रहा है। प्रत्यक्ष तो हम देखते हैं कि हिमालय जो है बहुत कुशल भी है और छोटी सी घटना में भी, जैसे हमारे गढ़वाली में एक शब्द है प्यांकू, प्यांकू माने स्कूल में हम देखते थे पहले थोड़ा भी किसी बच्चे को छेड़ो तो वो रोने लग जाता है, वैसे ही हिमालय है वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी में वहाँ लैंडस्लाइड भूक्षरण भूस्खलन होने लगता है। तो ये इस प्रकार का हुआ है। तो इस सबसे एक और जैसे देवतात्मा हिमालय या ये दूसरी तीसरी सवाल है तो इसके बजाय हिमालय हमारे लिए जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ से तीन नदियाँ उद्गमित होती हैं और उसकी सैकड़ों जलधाराएँ भी जो हिमनदों से पहले वो होती हैं, उसके बाद जो अल्पाइन मिडो हैं भूग्याल हैं फिर घने जंगल हैं और फिर पाद प्रदेश में हिमालय का एक तो उच्च हिमालय, पहले तो ट्रांस हिमालय है फिर उच्च हिमालय है मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक जो हिमालय का पाद प्रदेश है। यहाँ की जो वर्षा इत्यादि में भी बहुत अलग अलग प्रकार की भिन्नता है एक तरफ से, तो हिमालय का इस प्रकार का एक पर्यावरण पहले से वो है और आज इसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ हो रही हैं और उसका एक तरफ से क्षरण हो रहा है। यहाँ से निकलने वाली जो तीनों नदियाँ हैं इधर के वर्षों में उसमें इतना ज़्यादा बिगाड़ हो गया कि क्योंकि इन तीन नदियों का हमारे आर्थिकी के साथ सीधा सीधा संबंध है। हिमालय की गंगा ब्रह्मपुत्र और इंदस ये तीनों नदियाँ हैं तो इनका बेसिन है 43% और इनमें जो वाटर पूरा जल निधि है वो 63%, माने बेसिन 43% बेसिन का मतलब भारत का आधा से अधिक। हमारी गंगा का ही यदि आप बेसिन देखें तो 26% इसका बेसिन है और गंगा में जो पूरे देश का वाटर बजट है वो 25% है। यदि हिमालय में गड़बड़ी होती है तो उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, जैसे गंगा में 41% आबादी जो है देश की गंगा के बेसिन में रहती है, तो गंगा में कोई भी गड़बड़ी होती है तो इस प्रकार से पहले तो केवल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण गंगा में या हिमालय से निकलने वाली नदियों में गड़बड़ी होती थी, तो आज तो यह है कि न केवल जैसे प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं भूकंप है, भूकंप के अलावा ऋतुक्रिया फ्रॉस्ट एक्शन इस प्रकार की जो घटनाएं होती थी पहले वो 40-50 वर्ष में, जैसे भूकंप की बात करें तो 1950 में नॉर्थ ईस्ट में मुख्य रूप से अरुणाचल में अर्थक्वेक आया था और उस समय उसने वहाँ के कई प्रदेशों का भूगोल ही बदल दिया था। वहाँ सदिया टाउन था वो आज सदिया घाट हो गया, इसी प्रकार परशुराम कुंड धंस गया था, आलोंग से तेजू तक जो करीब 100 किलोमीटर का इलाका है वहाँ लैंडस्लाइड के कारण पूरा वो 30-40 मीटर तक वो सिल्ट से आज भी वहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि हमने हिमालय की इधर के वर्षों में चिपको आंदोलन के साथ साथ यात्रा की थी, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा की हो, इंदस की हो, श्योक की हो, पेंगोंग लेक की हो, इसकी यात्रा हम लोगों ने 30 वर्ष पहले कर दी थी अपनी समझ बढ़ाने के लिए गंगा का ब्रह्म। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि हमारे गांव की महिलाओं ने जो कहा कि हम किसी भी सूरत में पेड़ नहीं कटने देंगे और उसमें अहिंसक रास्ता जो उन बहनों ने वो किया तो वो उनका सुविचारित था और अंतःप्रेरित कार्यक्रम था, क्योंकि उन्होंने जो 1970 में अलकनंदा में प्रलयंकारी बाढ़ आई, जो बाढ़ पिछले 2013 में आई उससे भी बड़ी भयंकर बाढ़ थी, बद्रीनाथ और हेमकुंड से आने वाले
25 बसें और ट्रक आ गए थे, 6 मोटर पुल और इस प्रकार से। और जहाँ ये आंदोलन शुरू हुआ वहाँ से लेकर के और गंगा केनाल जहाँ से उद्गमित निकाली गई है हरिद्वार में, वहाँ तक इतनी सिल्ट से पूरा इलाका वो हो गया। तो उन बहनों ने कहा, उन लोगों ने कहा कि यदि दोबारा इस इलाके में पेड़ काटे जाएंगे तो जैसे 1970 में अलकनंदा में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, यदि इस प्रकार की बाढ़ यहाँ पेड़ फिर से काटे जाएंगे तो फिर से प्रलयंकारी बाढ़ आ सकती है। तो हम लोगों ने उस समय पूरे आंकड़े इकट्ठे करके डॉक्टर के एल राव सिंचाई राज्य मंत्री थे उनसे कहा कि भाई 1970 की बाढ़ मानव कृत या प्राकृतिक, इसका अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने क्या निर्णय लिया ये तो मालूम नहीं, पर इतनी जानकारी थी कि उन्होंने एक कमेटी बनाई थी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के, उसमें कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों को भी रखा था। तो उस कमेटी ने क्या संस्तुति दी, लेकिन लोगों ने, गांव के लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि तुम दोबारा पेड़ काटोगे तो हमारे बगड़ वो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इन पेड़ों को कटने देंगे नहीं देंगे, और तुम्हारी कुल्हाड़ी पर ताकत है तो पहले हमारी पीठ पर मारो। तो इस प्रकार से जो मैंने कहा था कि सुविचारित अंतःप्रेरित, आज ये बहुआयामी शब्द हो गया, बहुउच्चारित शब्द हो गया पर्यावरण, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर उसका जमीनी स्तर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे हिमालय के ही बारे में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ बढ़ रही हैं। आप पिछली शताब्दी की बात छोड़ दें, इसी शताब्दी में 2000 से लेकर 2021 तक आपने सुना होगा कि 2000 में जो हमारी ब्रह्मपुत्र है, जो इसका उद्गम कैलाश रेंज के पूर्वी भाग में होता है और वहाँ से वो 1700 किलोमीटर तिब्बत में प्रवाहित होती है, फिर हमारे देश अरुणाचल प्रदेश में आती है, वहाँ उसको सियांग कहते हैं, वहाँ तो स्वांगपो कहते हैं, फिर सियांग कहते हैं। तो 2000 में क्या हुआ कि तिब्बत का जो इलाका था वहाँ प्रलयंकारी बारिश हुई या क्या हुआ, और वहाँ से जो बाढ़ आई उसने तिब्बत में क्या नुकसान किया ये तो मालूम नहीं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भयंकर तबाही हुई, 50,000 लोग बेघर हुए और करीब 4 दर्जन लोग मारे भी गए। इसी प्रकार जो हमारी सतलज है हिमाचल प्रदेश में, उसमें भी बाढ़ आई है और वो उसका उद्गम भी तिब्बत के साथ है उस सतलज का भी। तो एक तो मतलब यह है कि 2000 में ये हुआ, आपने सुना होगा 2008 में कोसी नदी है अपने बिहार में, उसमें प्रलयंकारी बाढ़ आई और वो बाढ़ वहाँ जो एक बैराज था उसने कोर्स चेंज किया और 35 किलोमीटर कोर्स चेंज किया और बिहार के 10 जिले उससे प्रभावित होते थे। अब आप कहेंगे कि बिहार का और हिमाचल का क्या, हिमालय का क्या संबंध है, क्योंकि जो पंचकोसी है वो उसकी एक धारा तो तिब्बत से उद्गमित होती है माउंट एवरेस्ट के उत्तरी भाग से, और अधिकांश जो उसकी सहायक धाराएं हैं वो नेपाल से उद्गमित होती है। वहाँ जंगल काटे गए, अतिवृष्टि हुई और वो सिल्ट आई और सप्तहरी जिला है बिहार में, नेपाल में, और उसके बाद हमारा राघवपुर इत्यादि इलाके हैं, तो वहाँ वो सिल्ट आई और उसने एक तरफ से जहाँ से पानी बहता था उधर सिल्ट जमा हो गई, दूसरी तरफ तो 35 किलोमीटर का कोर्स चेंज हो गया। तो उस कोसी नदी का संबंध सीधे सीधे हिमालय से था। इसी प्रकार आपने सुना होगा 2010 में लेह लद्दाख में जहाँ की पहले बारिश 65 से और 75 मिलीमीटर आती थी, लेकिन 2010 में वहाँ पर जो बारिश हुई वो करीब 43 मिलीमीटर बारिश में लेह नाला बहुत बौखला गया था और लेह में कई लोग मारे गए और उसका बहुत भारी नुकसान हुआ। इसी प्रकार आपने 2013 में केदारनाथ के बारे में सुना होगा, आपने केदारनाथ में 10,000 के करीब लोग या तो लापता हुए या तो मारे गए, लेकिन आपने तो क्योंकि वहाँ तो पूरे देश के लोग थे, लेकिन उत्तराखंड में न केवल केदारनाथ बल्कि जो सीमा के हिमालय से मिले हुए जिले हैं अपना उत्तरकाशी,
रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, जितनी भी इन नदियों के जो सहायक धाराएं थी, जो ग्लेशियरों से, हिमताला ग्लेशियर लेक से उद्गमित होती थी, तो एक साथ 15, 16, 17 जून को सब जगह एक साथ हुआ। तो कई तो कहते हैं कि साहब ये तापमान में, विश्व तापमान में वृद्धि हुई, पर हम कहते हैं कि लोकल तापमान की तो आज गिनती नहीं हो रही है। पहले क्या होता था कि जैसे केदारनाथ का जो हमारे अल्पाइन मीडो हैं, बुग्याल इत्यादि हैं, वहाँ हम बचपन में जूते पहन करके नहीं जाते थे, ऊंची आवाज़ नहीं लगाते थे, क्योंकि कहते थे कि ये इस प्रकार की गड़बड़ियाँ करेंगे तो तुमको एडियाथ्री, वन देवी और वन देवता हार देंगे और फिर माने तुम्हें कष्ट देंगे। तो लोग वहाँ के उनके संरक्षण संवर्धन के बारे में एक तरफ से नियमों का पालन करते थे, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे जहाँ हमको कहा जाता था कि आप बुग्याल में जा रहे हैं, रुद्रनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, तो ऊंची आवाज़ मत लगाइए। अब आज तो एक ही दिन में 100 चक्कर हेलीकॉप्टर लगा रहे हैं, उसका वहाँ के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, और जो 2013 की घटना हुई, क्या उसमें इस सब का क्या, जब पहले वहाँ जूते पहन करके हम नहीं जाते थे और आज दर्जनों घोड़े खच्चर जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की तो बात ही अलग। वहाँ जितने भी मकान बने वो सोनप्रयाग से तो पत्थर गए नहीं, वो तो वहीं के पत्थर टूटे होंगे या बालू, सीमेंट, बालू इत्यादि वहीं से आए होंगे, तो उसका इस प्रकार के बिगाड़ को किसी भी वैज्ञानिक ने इस बात को उभारा नहीं, यद्यपि हमने इस बात को अलग अलग स्तर पर उभारा। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ, जंगल काटे जा रहे हैं हिमालय में, इसके लिए अलावा बाजार का दबाव है हिमालय में, बाजार को माने औषधि चाहिए। आजकल एक कीड़ा जड़ी है, 2013 में जब हम तवा घाट की तरफ गए और तोलिया जी भी साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि जहाँ से गौरी नदी निकलती है, वहाँ की बहनों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ नेपाल के लोग जो हैं कीड़ा जड़ी को खोद रहे हैं। तो अतिवृष्टि हुई, ग्लेशियर वाले इलाके में आपने कीड़ा जड़ी को खोदा, अतिवृष्टि हुई, वो सारी मिट्टी नीचे आई। तो 2013 में केदारनाथ की त्रासदी के अलावा पूरे जो मैंने 5 जिले बताए वहाँ भी लोग मारे गए, लैंडस्लाइड हुआ, जनधन की अपार क्षति। तो असल में ये स्थिति एक हुआ है। आपने सुना होगा 14-15 में जम्मू कश्मीर में सैलाब आया और जो दरियाई जेलम था और दूसरे तीसरे लोग कॉलोनी की कियामत, तो वहाँ भी पेड़ों का और पानी का जो अंतर संबंध है, उसके साथ जो लोगों का अंतर संबंध है, तो इस प्रकार की बातों को हम ध्यान में नहीं देते। अभी आपने सुना होगा पिछले 7 फरवरी 1921 को रैणी चमोली जिले में नंदा देवी नेशनल पार्क के मुहाने पर बड़ा भारी, अधिकांश लोग तो कह रहे हैं कि साहब इसमें जो ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर टूटे, पर ग्लेशियर टूटने के बजाय फ्रॉस्ट एक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ मैं तो पहले नंदा देवी नेशनल पार्क में यात्रा कर चुका हूँ और जो भी जैसे यहीं एक वैज्ञानिक है उन्होंने भी यात्रा की, तो उनका भी कहना था कि फ्रॉस्ट एक्शन हुआ, माने चट्टानों में बारिश आई और उसके कारण वो पहाड़ टूटा और पहाड़ के आगे जब लैंडस्लाइड हुआ तो उसमें ग्लेशियर था तो वो भी आया, मोरेन डिपॉजिट था वो भी आया, और उसके बाद जो नंदा देवी नेशनल पार्क के मुहाने में एक प्रोजेक्ट बना था बिजली का, जिसका हमने पहले ही विरोध कर दिया था। 2010 में मैंने पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को, उच्चतम न्यायालय की कमेटी को भी कहा था कि यहाँ पर ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में चिपको आंदोलन चला था, वहाँ पर ये कहा गया था कि यदि पेड़ काटे जाएंगे तो यहाँ का पर्यावरण बिगाड़ा जाए, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अंततोगत्वा 2021 में वो पूरा का पूरा हुआ। वो पूरे क्योंकि जिन्होंने क्लियरेंस भी दी, जिन वैज्ञानिकों ने, हमने सवाल उठाया कि क्या उनको वहाँ की समझ थी। तो इस प्रकार से हिमालय में 2000 अभी जो गड़बड़ी है वो रुकने के बजाय तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जैसे 2013 में आपने देखा होगा कि पूरा गढ़वाल तो जाम हो गया था, जाम का मतलब 3 साल तक न यात्रा चली न लोगों का कोई कारोबार चला। तो ये किस प्रकार का विकास हो, इस पर एक तरफ से समझ होनी चाहिए। हम लोगों ने इस बारे में भारत सरकार को, यहाँ तक कि पिछले प्रधानमंत्री, हमने ये कहा कि पहले तो हिमालय के बारे में हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है, इसलिए और
काल्पनिक है, इस अधूरे और काल्पनिक उसके साथ हमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए पहली आवश्यकता है कि हम विज्ञान सम्मत ढंग से, जैसे आजकल कह रहे हैं कि हिमनद ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं, हिमनद पीछे खिसक रहे हैं वो तो माना का कोई भी बुढ़ा बता सकता है कि अमुक जगह पर पहले ग्लेशियर था, आज 10 हाथ पीछे खिसक गया। वैज्ञानिक मीटर में बताएंगे और साल दर साल बढ़, लेकिन हमें तो यह है कि हिमनद पीछे जा रहे हैं, उसका ट्री लाइन पर क्या असर पड़ रहा है, उसका अलकनंदा या भागीरथी या हिमालय से निकलने वाली नदियों पर क्या असर पड़ रहा है, तो ये भी अध्ययन होना चाहिए। जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़, हमारी खेती बाड़ी पर, हमारे पानी के परंपरागत स्रोत पर क्या असर, तो हमने ये निवेदन किया था कि इसके लिए एक जो भौतिक विज्ञान है उसके जो अलग अलग वो हैं, जिसमें जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, इस प्रकार का, उसमें केवल हिमनद पीछे जा रहे हैं तो इस सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार का अध्ययन होना चाहिए, इस प्रकार का संस्थान होना चाहिए, और वो स्थानीय लोगों को भी जानकारी दी जानी चाहिए कि तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है। इसके अलावा आज हिमनद पीछे जा रहे हैं, हिमालय में गड़बड़ी हो रही है, तो उसका रोकथाम के लिए क्या कर रहा है, कौन सा विभाग जिम्मेदार है, कोई विभाग जिम्मेदार नहीं है। तो हमने कहा कि भाई हिमालय के लिए अलग से एक विभाग होना चाहिए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री के स्तर पर साल भर में निगरानी वो होनी चाहिए कि हिमालय के जो 13 राज्य हैं, और जैसे बंगाल का तो दार्जिलिंग वाला इलाका है, 12 राज्य और बंगाल का, तो इसके बारे में एक विज्ञान सम्मत ढंग से अध्ययन करके कि क्या हो रहा है, किस प्रकार का विकास होना चाहिए, जो विकास हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों का, जैसे पूर्वोत्तर में, फिर मध्य हिमालय में, और फिर अपने जम्मू कश्मीर वाला जो पश्चिमी हिमालय है उसके बारे में विज्ञान सम्मत जानकारी, तो इस प्रकार से वो होना चाहिए। वो तभी होगा कि जब आवाज़ उठेगी, क्योंकि आज हम तो बहुत चिंतित इसलिए हैं कि जो भी गड़बड़ी हो रही है, यदि इस पर जल्दी से जल्दी रोकथाम नहीं होती है तो उसका दुष्प्रभाव आगे, जैसे 2013 में या 2021 में जो गड़बड़ी हुई, ये मध्य हिमालय में ये होने वाला है। आज नॉर्थ ईस्ट में, जैसे सियांग, मैंने कहा कि भाई जब हमने वहाँ की यात्रा की ब्रह्मपुत्र की, तो वहाँ देखा कि वहाँ के कई इलाके बहुत कमज़ोर हैं। आज डिब्रूगढ़ टाउन जो है 3 मीटर नीचे है और ब्रह्मपुत्र 3 मीटर ऊपर, और वहाँ से सिल्ट लगातार जो मिट्टी आ रही है उसका अपवर्धन लगातार हो रहा है। बरसात में आप सुनते होंगे कि ब्रह्मपुत्र का पार्ट समुद्र की तरह हो गया है, इसी प्रकार हमारी गंगा की स्थिति है, और सतलज जो सिंधु की सहायक नदी है, 2003-04 में पारुचू लेक, पारुचू जो तिब्बत में था, वहाँ से पारुचू नदी निकलती है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, और उसके कारण हिमाचल प्रदेश में तो भयंकर तबाही हुई। भले लोगों को पूर्व सूचना दे दी गई थी, और उस पूर्व सूचना के कारण, पूर्व सूचना का प्रभाव ये हुआ कि जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, पर लोगों की जो खेत इत्यादि उसका भारी नुकसान हुआ। तो एक तो हमारे जो इन तीनों नदियों के साथ जुड़े हुए जो देश हैं, जैसे तिब्बत, नेपाल, भूटान और भारत, इनका एक प्राकृतिक मोर्चा बनना चाहिए, और जैसे वार्निंग सिस्टम समुद्री तूफान के लिए है, ऐसे ही हिमालय की नदियों के लिए भी होना चाहिए कि उसमें यदि तिब्बत में सियांग नदी में, स्वांगपो में, ब्रह्मपुत्र के उद्गम में यदि गड़बड़ी होती है तो वह पूर्व सूचना के लिए भारत के लोगों को बताएं, और वहाँ जो जैसे कुछ साल पहले नेपाल में अर्थक्वेक आया, और उस नेपाल की करीब 48 नदियाँ, छोटी बड़ी नदियाँ हमारी गंडक में, बूढ़ी गंडक में, कोसी में और घाघरा में मिलती है, तो नेपाल में अतिवृष्टि हुई, तो उसके बाद 17-18 में आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में भयंकर तबाही हुई,
तो इस प्रकार का मैं समझता हूँ कि यहाँ पर युवा भी हैं, क्योंकि हमारे लोगों के लिए तो अब 2 साल 10 साल मैं तो 89 पर पहुँच गया हूँ, आगे जो समस्या आने वाली है आप युवाओं के सामने, तो आपको इस पर दबाव भी देना चाहिए, शोध भी करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो अवसर दिया गया इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और अंत में आप सब लोगों को धन्यवाद और प्रणाम।